हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि गाइस आप यहां देख सकते हैं कि बीएड सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो गया है, एक एग्ज़ाम हो भी गया है एक पेपर का। तो आप सोच रहे होंगे कि बीएड का मैम क्यों बता रही हैं, तो बीएड का इसीलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को एक फॉर्मेट पता चल जाए कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हो सकता है बीएलएड में भी आप लोगों को इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएं, तो आप लोग पहले से ही अपना जो भी पढ़ना है इस तरीके से अपना पढ़ लीजिए कि हमें बहुत सारे प्रश्न दिए रहेंगे, उसमें से 5 ही करना है। तो जो भी प्रश्न आप लोग पढ़ें उसको कायदे से पढ़ें ताकि उसको अटेम्प्ट करते टाइम आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। तो बीएड का ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं, तो इसी आधार पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बीएलएड वालों का भी इसी तरीके से ही होगा कि 10 प्रश्न या जो भी प्रश्न दिए रहेंगे उसमें से कुछ ही प्रश्न करने रहेंगे। और इस तरीके से आप यहाँ फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो इन लोगों का पेपर है बीएड वालों का, तो ये जो पेपर है आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से पूछे गए हैं। तो 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न में से कोई भी 5 करने हैं, तो आप लोगों का भी हो सकता है इस तरीके से आए। और अगर कोई अपडेट आता है फॉर्मेट से रिलेटेड मैं तुरंत अपडेट करूँगी, आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी। बाकी अभी जो आइडिया है कि आप लोगों का भी इसी तरीके से आएगा, और अगर 5 क्वेश्चन करने हैं तो 80 नंबर का होगा, यानी 16 नंबर के एक एक क्वेश्चन होंगे। और टाइम आपका 3 घंटे ही मतलब यहाँ जैसे 3 आवर लिखा है तो आप यहां देख सकते हैं, तो इस तरीके से 3 आवर आप लोगों को भी हो सकता है मिले, और इस तरीके से इतने ही प्रश्न आप लोगों को करने के लिए रहें। तो हमें लगता है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और बाकी अगर कोई भी अपडेट इससे संबंधित आता है तो मैं ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।